हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो होने वाली है ह्यूज हॉल वीडियो। लिटरली मैंने काफ़ी सारा मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज किया हुआ है इस बार, एंड इसमें मेकअप प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये सारा मेकअप मैंने परचेज किया है अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल से, तीनों साइड से मैंने परचेज किया है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारा प्रोडक्ट है जैसा कि आप देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट वुड बी अलाउड टू मी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये सुनीसा एयर कुशन सीसी क्रीम। एंड ये प्रोडक्ट इस समय बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रखा है। आप यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हो, इंस्टाग्राम रील में देख सकते हो, हर जगह इस प्रोडक्ट ने बहुत ही ज़्यादा धूम मचाई हुई है। इसका मैंने फुल रिव्यू अपने चैनल पर कर रखा है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये नेल पेंट रिमूवर, एंड ये है ब्लू हेवन की तरफ से, एंड ये है डिप एंड ट्विस्ट नेल पेंट। गाइस सच में ये बहुत अच्छे नेल पेंट्स हैं। जस्ट आपको इसमें डिप करना है, अपना नेल इसमें डिप करना एंड जस्ट आपको ट्विस्ट करना है, 1 2 3 दैट्स, एंड आपका जो नेल पेंट है वो रिमूव हो जाएगा। मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। जस्ट आप इसको डिप करना है एंड आपका नेल पेंट रिमूव। एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा है क्योंकि मुझे ना बहुत ही अलाली आती, मैं उसे ऐसे रब करके जो निकालती हूँ, तो मैंने ये वाले प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं। ये आई थिंक सो मुझे 150 रुपये में 2 डिब्बी मिल गई इसकी। सो अगर आप भी मेरी तरह अलाल हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये दोनों परचेज कर लो। ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड काफ़ी टाइम तक आपकी चल सकती हैं। सो यस, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये बीबी क्रीम। ये है पॉन्स बीबी क्रीम, नई वाली पैकेजिंग है एंड इसमें मेरा शेड है लाइट। एक्चुअली मैंने मीडियम मंगवाया था लेकिन ये लाइट आ चुका है एंड इसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं है। सो ये वाला लाइट है एंड ये बहुत ही अच्छा बीबी क्रीम है गाइस। मुझे लैक्मे एंड गार्नियर जितनी भी बीबी क्रीम्स आती है ना, मुझे सबसे अच्छी यही लगती है। इनफैक्ट मेरे पास अभी 2 और पड़ी हुई हैं, एक इसका छोटा पैक है एंड एक जो पुरानी वाली पैकेजिंग है ना उसका पैक मेरे पास रखा हुआ है, बट फिर भी मैंने ये वाला क्रीम जो है मंगवाया है। सो अगर आप चेकअप करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बीबी क्रीम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये सीट मास्क। ये है गुड वाइब्स का सीट मास्क एंड ये है राइस ब्राइटनिंग सीट मास्क। इसमें नेट वेट है इसका 20 ml एंड इसका प्राइस है, इसमें 99 rupees दिया हुआ है बट ये आपको 80-90 rupees में आराम से मिल जाएगा। एंड ये मैंने पर्पल से परचेज़ किया, आई थिंक सो यस। इसके बाद मैंने परचेज़ किया है फाउंडेशन, जो है ये लैक्मे 9 to 5 फाउंडेशन। काफ़ी लोगों को देखा था मैंने लगाते हुए एंड रिकमेंड करते हुए। सो ये है लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मेट परफेक्ट कवर फाउंडेशन एंड इसमें मेरा शेड है इसमें मेरा शेड है N260 न्यूट्रल हनी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कौन सा शेड लूँ, तो मैंने ये वाला शेड लिया है। आई थिंक सो मैच कर जाएगा यार, थोड़ा बहुत लाइट होगा। सो ये वाला मैंने परचेज़ किया है एंड इसका प्राइस है, इसमें 475 लिखा हुआ है बट मैंने आई थिंक सो 300 अप्रॉक्स का, 350 का मैंने ख़रीदा है। एंड यू कैन सी इसका टेक्सचर एंड ये ब्लेंड कितने अच्छे से हो रहा है। सो यस, सो दिस प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये ब्लू हेवन का लूज पाउडर। गाइस अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही रिकमेंडेशंस देती हूँ तो आप इससे तो परचेज़ कर लो। ये बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है। मैंने इसको अपने एक शायद अफोर्डेबल मेकअप किट वाली वीडियो में मैंने इसे यूज़ किया है आपके लिए। बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है, इसमें थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस है, बहुत ही फाइन इसका जो पाउडर है ना बहुत ही फाइन है। एंड इसके साथ आपको ये भी मिलता है एप्लीकेटर। ओ माय गॉड, बहुत सारा निकल चुका है इसमें। सो आपको इसके साथ ये एप्लीकेटर मिलता है। फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत प्यारी लगी इसकी एंड इसका प्राइस है, इसमें लिखा हुआ है 125 बट आपको ये 100 के अप्रॉक्स में आराम से मिल जाएगा।
एंड इसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है आई थिंक सो 20 ग्राम का ये प्रोडक्ट्स है, तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये वीट रेडी टू यूज़ फुल बॉडी वैक्सिंग किट। गाइज मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी एंड मैंने इसका जो एक स्ट्रिप है मैंने यूज़ कर लिया था, लिटरली बहुत ही अच्छा है। अगर आप शेविंग वगैरह प्रेफर नहीं करते हो तो आप ये ले सकते हो। एंड इसमें आपको इस तरीके से 10 स्ट्रिप्स मिलती हैं, लाइक 1, 2 इस तरीके से आपको 10 स्ट्रिप्स मिलती है। एंड इसके अंदर जो ये दो रहती हैं तो ये आपको 20 स्ट्रिप्स इसमें मिलती है। एंड तीन या चार आपको ये क्लीनिंग वाइप्स भी मिलती है, परफेक्ट फिनिश वाइप्स। इसके बाद इसको यूज़ करने के बाद आपको इसे यूज़ करना होता है। सो ये आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है एंड इसका प्राइस है 199 रुपीज़ एंड मैंने इसे 199 में ही परचेज़ किया है, कहीं पे इसका ऑफ़र नहीं चल रहा था। मैंने परचेज़ किया है वो है ये वेट एन वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। गाइस मैंने काफ़ी लोगों को इसे यूज़ करते देखा है एंड मैंने सोचा मेरे पास क्यों नहीं है भाई। जब मैंने इसके स्वेचेस देखे ना तो मुझे लगा गॉड ये मेरे पास तो होना ही चाहिए था पहले से। इसमें आपको इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है पता है, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि ये ट्रांजिशन शेड है, ये ट्रांजिशन शेड है, ये और ये, सुपर्ब। सो अब मैं आपको इसके स्वेचेस दिखा देती हूँ। सो गाइस ये है इसके स्वेचेस एंड आप देख सकते हो कितने पिगमेंटेड है ना। सो ये मैंने परचेज़ किया है एंड इसका प्राइस है आई थिंक सो इसे मैंने 300 अप्रोक्स का ख़रीदा है। इसमें मैंने शेड लिया हुआ है रोज़ इन द एयर E758 ये लिखा हुआ है। एंड गाइस इसमें ना आपको यहाँ पर पीछे दो आई शेडोज के तरीके दी हुई हैं कि आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट आई थिंक। सो मैंने इसी पैलेट में ऐसा देखा है, सो यस आप इसे ले सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये टोनर, यह है गुड वाइब्स का रोज़ हिप स्किन क्लैरिफाइंग टोनर जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने दो बार इसे स्प्रे कर लिया, इतनी प्यारी स्मेल है ना गाइस इसकी, रोज़ की तरह एकदम बहुत ही रिफ्रेशिंग है, तो आप अगर इसे लेना चाहो तो ले सकते हो। ये मैंने लिया है पर्पल से, इसका प्राइस है 195 रुपीज़, इसमें 195 रुपीज़ दिया है बट ये मुझे 160-170 के अप्रॉक्स में मिला है। मैं आपको सारे प्राइजेस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप इनमें से जो भी प्रोडक्ट लेना चाहो तो आप बहुत ईजिली उसी लिंक के थ्रू ले सकते हो। प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये शुगर का ब्लश एंड इसमें आपको एक पन्नी मिलती है जो कि नीचे गिर चुकी है, तो ये वाला ब्लश मैंने परचेज़ किया है। मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लश का पैलेट था जो कि मैंने आपको दिखाया है स्टील पैरिस का, उसके अलावा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कोई और ब्लश लूँ, बट अब मुझे लेना पड़ेंगे। सो ये इसमें मेरा शेड है 05 कोरल क्लाइमेक्स एंड ये बहुत ही अच्छा कोरल शेड है। यस एंड इसका प्राइस है 300-350 का है क्योंकि ऐसे ही मैंने कॉन्टोर भी लिया हुआ है अलग अलग पैलेट में, लेकिन अगर आप एक सिंगल पैलेट लेना चाहते हो जिसमें आपको कॉन्टोर एंड ब्लश एंड हाइलाइटर मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हो, वो आपको 799 समथिंग का पड़ेगा। ये आपको इंडिविजुअल अगर आप लो तो वो महंगे पड़ जाते हैं, बट मेरे पास कॉन्टोर था इसलिए मैंने अलग से लिया है। सो अगर आप लेना चाहते हो तो आप वाला पैलेट ले सकते हो, मैं आपको वो रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये रियल टेक्निक्स की ब्रशेस एंड ये आपको बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में मिलती है। पैकेजिंग में काफ़ी खर्चा किया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये जो हैं ड्यूप्स हैं, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल वाली 5000 अप्रॉक्स की आती है आई थिंक सो, ये वाली ओरिजिनल नहीं है बट ओरिजिनल से कम नहीं लगती आप देखो। एंड गाइज इसके जो ब्रिसल्स हैं ना, ओ माई गॉड बहुत ही अच्छे से पैक्ड है एक्चुअली। इसकी जो ब्रेसेस है ना बहुत सॉफ्ट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सो इसमें आपको मिलती है 6 ब्रशेस, एक है ये पाउडर ब्रश एंड सेकेंड आपको मिलती है
इससे आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो, पाउडर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको मिलती है वो है अगेन पाउडर ब्रश, जिससे आप अपने अंडर आई का पाउडर अप्लाई कर सकते हो, बेकिंग कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको मिलती है थर्ड फाउंडेशन ब्रश, इससे आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन ब्रश है, यू कैन सी के बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। सो यस, एंड मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये ना कलरफुल है, सो इसलिए इसने मुझे और अट्रैक्ट किया और मैंने इसे ले लिया। नेक्स्ट आपको मिलता है ये ब्रश, जो कि है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, ये वाला ब्रश। एंड इसके बाद आपको मिलता है एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। यार पैकेजिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कर रखी इन्होंने। इसके बाद आपको मिलता है ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है। एंड नेक्स्ट जो ब्रश मिलता है आपको वो है ये आई थिंक सो आई लाइनर ब्रश, जिससे आप आई लाइनर अप्लाई कर सकते हो। एंड आप इससे थोड़ा मोड़ा जो हाईलाइट करते हैं ना कॉर्नर्स में, वो कर सकते हो। सो काजल अप्लाई कर सकते हो। सो इसमें आपको 6 ब्रशेस मिलती हैं एंड बहुत अच्छी ब्रशेस हैं। एंड इसका प्राइस है आई थिंक सो 500 समथिंग का मैंने इसे परचेज़ किया है। एंड मैंने इसे परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, दोनों में से किसी एक से परचेज़ किया है। सो यस, प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है अगेन नीविया क्रीम, मुझे बहुत पसंद है गाइस। एंड इस बार जो मैंने फ्लेवर परचेज़ किया है वो है चिल्ड मिंट, एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। सो ये आपको इसमें मिलता है 50 ml की क्वांटिटी है एंड इसका प्राइस है आई थिंक सो 85 rupees। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेरे पास ना सारे निविया के फ्लेवर हो चुके हैं, वो भी छोटे छोटे डिब्बी में, बड़ी वाली नहीं है, छोटा वाला टब ही मैं पहले लेती हूँ। सो ये वाला है एंड ये बहुत अच्छा है ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए, नॉट ओनली फॉर ड्राई स्किन टाइप, अगर आप कोई भी स्किन टाइप्स के हो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज किया है वो है ये आईलैश ग्लू, एंड ये है मिस क्लेयर का आईलैश ग्लू। गाइस बहुत ही अच्छा आईलैश ग्लू है, मेरी रिकमेंडेशन आप इसे ले लो, आपको कोई और ग्लू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह बहुत ही अच्छा ग्लू है। एक मेरा ख़त्म होने वाला है, मैंने उसे बहुत ही आराम से आई थिंक सो 1 साल उसको चला लिया है एंड फिर भी मैं तो डेली अप्लाई करती हूँ, डेली ही जैसे आई लेसेस अप्लाई करती हूँ, तो मैंने उसको 1 साल चला लिया। तो सोचो अगर आप लोग कभी कभी मेकअप करते हो तो आप लोग कितना ना चला लोगे उसे। एंड गाइस बहुत ही अच्छा ग्लू है, बहुत ही अच्छे से स्टिक होता है। एंड इसमें मेरा शेड है डार्क, मैंने वो ब्लैक कलर वाला लिया है। एंड इसके अलावा मैंने अभी तक कोई भी ग्लू यूजेस नहीं किए हैं, ये बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो। एंड इसका प्राइस है आई थिंक सो 295 rupees। सो या थम्स अप। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट। इसमें आपको लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और एक वाइट और क्रीमी सा शेड मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ में ना आपको यहाँ से ना एक मिरर भी मिलता है जो मुझसे खुल नहीं रहा है। एंड इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी स्पूली मिलती है, टाइनी सी, ओके स्पूली एंड एप्लीकेटर। आई डोंट नो ये काम आएंगे कि नहीं काम आएंगे, बट है तो ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब आईब्रो में जैसा अप्लाई करने के लिए लगता है ना, ये वैसे ही है, ज़्यादा ना सॉफ्ट है ना हार्ड है, तो इससे तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस साइड मिलती है स्पूली छोटी सी, एंड देन आपको इसमें मिलता है एक छोटा सा ट्वीज़र, छोटू सा ट्वीज़र। एंड ये प्रोडक्ट आपको मिलता है 2.5 ग्राम एंड इसका प्राइस है 499 rupees, इसमें लिखा है, बट आई थिंक सो मैंने कितने का लिया मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ये स्टे कोकी का कंसीलर। एंड गाइस ये कंसीलर ना थोड़ा सा थिक है, टेक्सचर में ना थोड़ा सा थिक है, बट अप्लाई बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड आज मैंने यही वाला कंसीलर अप्लाई किया हुआ है, मैं कहाँ दिखाऊँ आपको, यहाँ पर, कैन यू सी, ये थोड़ा सा थिक है ये,
थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसे ब्लेंड करने में, उतने जल्दी ब्लेंड नहीं होता है, बट अच्छा है। एंड इसमें मेरा शेड है आई थिंक सो वेट सेंट, इसमें मेरा शेड है सेंट डेट टू, बहुत ही छोटे छोटे में लिखा है, दिखेगा तक नहीं, सेंट डेट टू, एंड बहुत ही मिनी छोटू मोटू सा है। सो ये ट्रैवल फ्रेंडली तो है, बट इसकी प्राइस इस हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है मुझे लगा। इससे अच्छा फिर एन बाय बे का जो लिक्विड वाला कंसीलर है वो है, स्विस ब्यूटी का कंसीलर है गाइस, मस्ट रिकमेंडेड, वो तो बहुत ही अच्छा है, आप उसे ले सकते हो। बट मैंने इसे एक ट्राई दिया है, सो ये भी बहुत अच्छा है बट छोटू सा है। नेक्स्ट मैंने जो परचेज़ किया है वो है ये लिपस्टिक, ये है दो ब्लू हेवन की लिपस्टिक एंड एक ये है इनसाइड की लिपस्टिक, तीनों हैं अंडर 100 रुपीज़। एंड इसके मैं आपको शेड दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारा रेड शेड है एंड इसमें मेरा शेड है आई थिंक सो 09। एंड नेक्स्ट जो शेड मैंने लिया है वो है दिस, ये वाला शेड है 05, अगेन डार्क शेड। नेक्स्ट है ये इनसाइड की लिपस्टिक एंड इसका शेड है दिस, कैन यू सी कितना प्रीटी लग रहा है ना, इसका शेड है 04 फिरोशियस पिंक। प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है अगेन अ लिपस्टिक जो है मार्स की लिपस्टिक एंड क्रेयॉन लिपस्टिक है ये, एंड ये मैंने आई थिंक सो किसी की रिकमेंडेशन में ख़रीदा है मैंने भी गाइज, ये बहुत ही प्यारा शेड है, ब्राउन डार्क ब्राउन शेड, कैन यू सी कितना प्यारा शेड है ना। एंड इसके साथ साथ आपको मिलता है एक शार्पनर एंड इसका जो शेड है वो है गर्ल पावर 10, इसका प्राइस है 299 रुपीज़। एंड मैंने इसे कितने में परचेज़ किया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट ये वाली लिपस्टिक, ये लिपस्टिक मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मुझे फ्री में मिली है, पॉकेट साइज की लिपस्टिक है ये एंड इसका कलर है पिंक, ये मुझे फ्री मिली एक्चुअली, मैंने 2-3 लिपस्टिक्स ली ना सो उसके साथ साथ मुझे ये फ्री में मिली है। प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो मेकअप से थोड़ा अलग है, ये है ब्लॉग कैमरा ट्राईपॉड आई थिंक सो, या ब्लॉग कैमरा ट्राईपॉड, ये मुझे पता नहीं है मैंने किस ब्रांड का ख़रीदा है, मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी। एक्चुअली इससे ना आप इस तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपके हाथ वाथ नहीं दुखेंगे, सो ये मैंने एक ट्राई दिया है इसे, बट इसके जो स्टैंड्स हैं ना काफ़ी लूज़ हैं, यू कैन सी काफ़ी लूज़ स्टैंड्स हैं, बट हाँ काम तो चल जाएगा, सो यस। एंड इसे मैंने कितने परचेज़ किया मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसे देख सको। मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, मैं वहाँ पर रोज़ अपडेट करती रहती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।